आज हम दम आलू बनाएंगे, जिसके लिए हमने छोटे छोटे आलू लिए हैं। इनको छील लिया है, धो लिया, साफ कर लिया है। अब हम इन्हें स्पोक्स की मदद से इनमें इस तरह से छेद करेंगे। इस तरह से सब आलू में छेद कर लेंगे। इसके लिए मसाला अदरक, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट, प्याज, टमाटर, दही, एक तेज पत्ता, एक लाल मिर्च, दो तीन काली मिर्च, दो तीन लौंग और पिसे हुए मसाले, हल्दी, मिर्च, गरम मसाला, धनिया पिसा हुआ, खटाई, ये चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले हम इन्हें पूरे आलू को गोद लेते हैं, मतलब फोक्स की मदद से छेद कर लेते हैं। हमने गैस पर एक कढ़ाई रख ली है, उसमें तेल डाल लिया। अब हम इन आलू को फ्राई करेंगे। आलू को हम गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब ये फ्राई हो चुके हैं, हम इनको निकाल लेंगे। हमने सब आलू को निकाल लिया है। अब इसमें तेल ज़्यादा है, इस तेल को निकाल लेंगे कढ़ाई में से। अब हम इसमें जीरा डालेंगे। दो लौंग और काली मिर्च डाल देंगे, एक लाल मिर्च डाल देंगे और एक तेज पत्ता, थोड़ा सा हींग। उसके बाद अदरक का पेस्ट, हरी मिर्च और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अब हम प्याज को डाल देंगे, पिसे हुए प्याज हमने डाल दिए हैं। अब इनको भून लें। प्याज भुन गया है, अब हम टमाटर डालेंगे। अब हम इसमें पिसे हुए मसाले डालेंगे, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और गरम मसाला। जब ये अच्छे से भुन जाएंगे, हम इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे।
मसाला भुन चुका है, बस इसमें आधा कटोरी दही डालेंगे और उसको चलाते रहेंगे। लगातार चलाएंगे इसको, दही फटे ना। इसमें हम थोड़ा पानी डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब इसे हम 2 मिनट के लिए ढक देंगे, एक उबाल आ जाए उसके बाद हम इसमें। अब हम ढक्कन हटा के इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार और आलू को डाल दें। और ढक देंगे। अब हम इसे खोल कर इसमें थोड़ी खटाई डाल देंगे और इसको 2 मिनट और ढक देंगे। अब दम आलू बन के तैयार है, इनको हम सर्विसिंग प्लेट में निकाल लेंगे। हमने इनको सर्विसिंग प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच क्रीम या मक्खन डालेंगे। दम आलू बन के तैयार हैं। अब हमने इनको सर्विसिंग प्लेट में निकाल लिया है और मक्खन भी डाल दिया। अब सर्व करेंगे।